नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर ये देखिए, हमारा पहला अर्क है। तो छठ पूजा के लिए जो पहला अर्क ठेकुआ होता है ना, इसको बोलते हैं, मतलब पक्का फल बोलते हैं। तो इसको हम लोग छाने के लिए हम लोग रात ही से लग गए थे। 12:30 बजे, 12:30 बजे हमने दीदी ने नहा के और बनाने के लिए प्रसाद शुरू कर दिया था। तो बस ये ठेकुआ, वहाँ पूरी भी बनती है कोसी पे रखने के लिए। वहाँ कोसी भराया था तो कोसी पे रखने के सूप पर भी वो लोग देख के अर्घ देते। फिर हम लोग तब तो पूरी नहीं मतलब बनता है, सिर्फ यही प्रसाद में ठेकुआ होता है। तो बिहार का तो प्रसिद्ध है ठेकुआ। तो यही देखिए प्रसाद में यहाँ ठेकुआ। तो हमने मतलब आटा गूंद लिया था, ये मीठा वाला ठेकुआ जो गूंद होता है ना, वही ठेकुआ। तो वही बना रहे थे सूप पर का, जो मतलब भगवान जी को अर्घ दिया जाता है तो वो मीठा गुड़ वाला ठेकुआ ही अर्घ पड़ता है। तो वही हम दीदी दोनों मिलके बनाने के लिए स्टार्ट कर देते। 12:30 बजे रात को नहाए थे दोनों मिलके। बस वही बनाते बनाते हम लोग को बज गया 5:30-6 बज गए थे रात से। उसके बाद सुबह हो गए, सारे फल थे 12-13, दो हमारे सूप दोनों के मतलब हो गए, हमारे 15-16 सूप हो गए सब लोग को। और दो और बाहर से भी आए थे तो सारे सूप धोने थे, मतलब सब धोया। मैं जो अच्छे से मैन धो के रखा था, फिर भी जब आप दौरा सजाओगे तो सब आपको अच्छे से धोना पड़ता है, फल सूप वो जो दौरा है वो। तो ये देखिए दीदी लग गई थी, मतलब मिल के हम भी सब लोग मिल के ही कर रहे थे। तो ये देखिए, एक रूम से नहीं दो दो रूम, मतलब एक रूम में सारा सामान रखते थे पूजा का, एक रूम से बनाना स्टार्ट करते थे। तो ये देखिए पहला अर्घ, मतलब शाम का टाइम का है तो सब दौरा लेके जा रहे हैं। क्या करूँ, बहुत अच्छा लगता है जो हम लोग का आवाज रियल वाला होता है, लेकिन वो तो नहीं दे सकते क्योंकि सब जगह भी छठ पूजा का गाना बजता रहता है तो कॉपीराइट आने लगती है। इसी की वजह से हमने वो मतलब नहीं लगाई हूँ, ये तो काफ़ी अच्छा लगता है रियल, मतलब अच्छे से हम लोग सब लोग बोलते हैं, गीत उत गाते जाते तो अच्छा लगता है। खैर क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए दीदी के देवर है बीच वाले, और वो चचेरा वो भी देवर है, आगे वाला तो चाचा का बेटा। तो हम लोग घाट पे जाने के लिए तो पहला आगे दौरा गए, फिर पीछे से हम लोग गए थे। अब वो ये देखिए दीदी थी, मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैं नहीं आई, और वो देवरानी है, वो भी देवरानी है। तो हम लोग भी निकले, फिर मैं जब पहुंची उसके बाद मैं ये देखी रास्ते पर का थोड़ा सा वीडियो हमने लिया। हम लोग चारों मतलब सब लोग मिलके चारों लोग हमने भी थोड़ा सा व्यू हमने कहा कि ले लेते हैं, क्योंकि हमने मेन गेट का शुरू से निकलते हुए नहीं लिया था तो हमने ले लिया। तो ये देखिए काफ़ी धूप थी इस समय, चेहरे पे ही धूप लग रही थी। तो उसके बाद हम लोग घाट पर पहुँच जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, फिर दातुन करने के लिए लग जाते हैं। ये देखिए फिर मैं अपना अर्घ देने के लिए मैं पानी में हिल जाती हूँ। ये देखिए तो दीदी लोग पहले अपना दातुन करती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है बहुत। ये पर्व महत्तम पर्व होता है ये। तो हम और ये देखिए दीदी के बड़े बेटे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली है। तो मैं आपको, और ये उनकी देवरानी की बेटी है, छोटी देवरानी की। देखिए सब दातुन करें, मैं कर लेती, मैं गंगा जी में थूकती वूकती नहीं हूँ, और लोग यहाँ कर रहे थे तो मैं पानी लेके ऊपर आ गई थी और इधर साइड में धो रही थी। तो वो लोग दातुन करने, खैर ये तो कहे गंगा जी का पानी है, बहता पानी बह जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, गंगा माता तो है ही। तो ये देखिए दीदी के मतलब देवर, वो भी मतलब फास्टिंग किए थे, ये छठ पूजा मनाए थे। और ये देखिए जिया हैं, खुशी है ये लोग हमें, क्योंकि सब लोग तो फास्टिंग में थे तो बच्चे ही पार्टी ना करते हैं। तो इस पर आँचल पे हम लोग का अचरा जो होता है ना, तो इस पर अपटन लगाना पड़ता है, और सिंदूर पे आपको मतलब नाक से लेके जुड़वा मांग टेका जाता है। ये देखिए तो मैंने एक एक मतलब वीडियो लिया था, हमने मैं बच्चे को सबको बता दी थी कि एक ही वीडियो लेना छोड़ना नहीं। खैर रियल आवाज़ देता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी शोर शराबा रहता है, लेकिन बस वही मैं बता ही चुकी हूँ, गाने के वजह से मैंने रियल आवाज़ बंद करना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो ये जो है ना, ये गांव के पास ही की थी ये
बूढ़ी, मेरी नाना जी इनको चाची चाची कहते थे, तो वही है वो। और ये जो हरी वाली हैं तो वो देवरानी हैं, और ये चाचा की बहू दीदी के इस साइड में जो है, जो हमारे साइड में है, तो उनकी अपनी देवरानी है बीच वाली, और चाचा की बहू है। देख लीजिए काफी बच्चे पार्टी हैं, सब अपने ही घर के हैं। इतना अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ रहते हैं तो, है ना, लंबी चौड़ी फैमिली है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए गंगा जी का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में से मतलब अच्छा तो लगता है, ऐसे में से ज़्यादा सुबह वाला जब सूरज भगवान जी निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खैर वो वाली तो वीडियो जाएगी ही जाएगी, सुबह का तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं दोहरी सूप से रख देती हूँ, हमें 5-7 लाख हमको दोहरा सूप तक देना था, पीतल वाला होता है और जो बांस का होता है उससे। फिर आप मतलब बाद में अकेला एक बार पीतल का दे सकते हो, एक बार बांस वाला से आप अर्घ देख सकते हो। लेकिन हमारा 5 साल तक मनता था माना हुआ, तो उसी की वजह से हमने दोहरा सूप से अर्घ देती हूँ। तो ये देखिए ये जाते समय का व्यू है, थोड़ा सा बीच में आगे पीछे हो गया था अर्घ देने के बाद, थोड़ा सा वीडियो चला गया था फिर पानी का। तो ये देखिए हम लोग का जा रहे हैं, ये गांव की बेटी, ये जो चाची बोले ना, ये जो लोटा ली है, तो हमें नन्द दिन के चाची उन्हीं की बेटी है। तो ये देखिए सब लोग, और ये मंदिर शाम को हम लोग का पूरा गाँव का देवी देवता हम लोग की तरफ भी पूजा जाता है, तो यहाँ भी सब मतलब पूजने के लिए चले आए थे। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, तो उसी में अच्छे अंदर मतलब ननद दीदी और उनकी देवरानी जेठानी, देवरानी दोनों सब अंदर थी, दीदी लोग, मैं भी गई साथ में पूजा की। और फिर ये यहाँ सूरज मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ भी सब लोग पूजा किए हम लोग। और यहीं पे नाच वगैरह होता है, जो भी नाच उच होता है, तो इतनी रात को गाना बज, इसी की वजह से हमने पोस्ट वीडियो हमारा नहीं गया, कि मैं बोल भी अलग पाती तो गाना का आवाज़ आता ही, बस उसी की वजह से हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। इस ओके आपका प्यार हमारे हम पे कम नहीं होनी चाहिए, कि है ना लेटे से सही, तो क्या कर सकते, जा तो रही है ना। और ये देखिए शाम का वीडियो है, तो यहाँ कोसी कोसी के हम ननद हमारी तैयारी कर रही है दीदी, तो वही। तो ये देखिए कोसी का मतलब तैयारी हम लोग करने लगे, तो बहुत अच्छा लगता है कोसी। तो यहाँ तो पूरे गांव में कोसी भर ही की छठ पूजा मनाते हैं, लेकिन कितना लोग मनता वाला था, कितना लोग मान रखते हैं मनता की, उसी की वजह से कोसी भी, कितना कितने लोग कोसी भरते, मनता हो जाता पूरा तो वो कोसी भरते। तो ये देखिए वहाँ का हम वीडियो लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और कोसी को आप अकेले नहीं छोना था, अब जहाँ कोसी रखो तो वहाँ आपको सोना पत्थर दिया, रात भर उनका दिया कोसी पे जलता रहेगा, जब आपको घी कमता रहे तो आप डालते रहो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा व्यू था इसका। तो हमने छोटा सा वीडियो, छोटा छोटा जो भी वीडियो था हमें डालती थी। तो ये देखिए फल जो भी होता है फल, और ये चांदनी गन्ने से होता है, 5 गन्ना रहता है, 4 का वो बनता है मंडप, फिर बीच में रहता है, फिर ऊपर से गमछी होता है, न्यू गमछी रहती है, उसमें पूरा फल डाल के उसके बाद उस पर बांध के चांदनी तनाती है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये देखिए कितना प्यारा लगता है ये सब चीज़, है ना, अच्छा लगता है। देख लीजिए दीपक कितना अच्छा लगता है। तो बस इसे हम लोगों ने पूजा अच्छे से सब कुछ करके, पूजा वगैरह गीत उत सब लोग मिलके गाए, कुछ अगल बगल की बेटी थी बहू थी, सब लोग आए थे मिलके गीत वगैरह गाए। ये देखिए दीदी की देवरानी भी, सब लोग मिलके करे थे, क्योंकि ये सब पूजा बहुत महत्व बहुत बड़ा होता है, आप एक जन से नहीं हो सकते हो, सब लोग मिलके आपको करना ही पड़ता है जब सब लोग हो, क्योंकि सब अकेले का पूजा नहीं है, इसमें 3-4 लोग आपको मिल के हेल्प करते तभी होता ही है। तो हम थे, दीदी थी, दोनों चारों दीदी थी, तीनों दीदी थी, हम थे, 4 लोग थे। फिर देखिए हवन होता है, तो सब लोगों ने हवन किया, हम लोगों ने सब लोग, ये जीजा जी ईंटा ले आए थे, क्योंकि जमीन पे जो गंडा होता है ना गोबर का, वो रख दे, तो वही हम लोग बोले कि फट जाएगा, तो वही जीजा जी फिर ले आए ईंटा, उसके बाद जो गंडा था उसके ऊपर रख दिए थे,
ये देखिए, तो सब लोग आ गए थे गीत गाने के लिए। और फिर उसके बाद हमने दीपक जला के कैंडल चारों तरफ हमने मंडप का कैंडल लगा दिया था। ये देखिए गांव की बेटी है, तो वही वो भी आई थी, तो सब लोग मिलके गीत गा रहे थे। क्या करूँ, वो भी नहीं डाल सकती मैं, है ना। देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम की, फिर चले गए सोने के लिए, क्योंकि आप पूजा जगह इधर उधर घूमने फिरने पूजा जगह करने के काफ़ी थक भी गई थी, फास्टिंग भी की थी। और फिर फूफू भतीजी मिल के सब लोगों ने वीडियो अपना मतलब फ़ोटो खींचा के साथ में वही रहा। तो ये देखिए फ्रेंड, बताइएगा ज़रूर कैसा रहा हमारा छठ पूजा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, कुछ भी कमेंट करिएगा जरूर। मैं बीच में बोल देती, फिर रात को इन लोगों ने लिट्टी चोखा का पार्टी रखा, वही पहला रख के दिन इन लोगों ने अपने खुद से खाना बनाया, क्योंकि हम लोग तो उस दिन जूठा मतलब नमक वमक नहीं छूते हैं। तो खैर था, इन लोग बोले कि हम बना लेंगे, आप लोग जाइए करिए। जब नहीं कोई होता तो क्या करे, बच्चे लोग को भूखे थोड़ी छोड़ देते। दीदी के छोटे वाले देवर, ये देखे चोखा लिए, चोखा नहीं यानी कि आलू टमाटर का भरता था। हम लोग के मुँह से चोखा निकलता नहीं, क्योंकि बारह हम चोखे बोलते बिहार में, इसीलिए। ये देखिए सबको एक साथ बैठा दिए, बच्चा पार्टी जो भी थे, तो सबको ये एक किट्टू जी है छोटे वाले भगना, तो वही सबको खिला रहे थे। बोले सब लोग खा लो एक साथ बच्चा पार्टी, फिर उसके बाद बड़े लोग बैठेंगे। तो हमने थोड़ा सा आके वीडियो यहाँ बनाने लगी। और ये जीजा जी बैठे हैं, ये देखिए, और जो आसमानी कुर्ता पहने हैं वो दीदी के बीच वाले देवर जी। और ये देखिए खुशी हमको बता रही है, काफ़ी टेस्टी है खाना, तो वही बता रहे थे नमक कम था थोड़ा सा, वही नमक मतलब डाल रहे थे। तो बस सबका खाना पीना यही हो गया था, सब लोग खा रहे थे अपना। फिर मैं थोड़ा सा वीडियो ये लेके चली गई थी आराम करने। तो ये दीदी के चाचा के पोते हुए, ये देखिए सब लोग लाइन से खड़े हैं, देवर उनके जाऊत हैं, बेटे हैं, जीजा जी सब लोग खड़े हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग एक साथ खा रहे हैं। तो ये जिया रानी खा रही है, ये देखिए आगे उनके छोटे देवर की बेटी है ये। इन लोग को अच्छा लगता है लिट्टी चोखा खाने में। ये बेचारे अकेले पड़ गए, इधर खा रहे सर नीचे करके झुका के। तो इन लोग मतलब सब लोग बोले कि आप लोग खा लो, फिर हम लोग एक साथ में बैठेंगे।